मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी। चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता इन 5 प्रदेशों में लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा की 403 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। पश्चिम से शुरू होकर मतदान पूरब तक 7 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 10 फरवरी को है, जिसमें शामली, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, गौतमबुद्ध नगर और मथुरा शामिल हैं। दूसरा चरण 14 फरवरी को है, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर में मतदान किया जाएगा। तीसरे चरण 20 फरवरी को है, जिसमें हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर शामिल हैं। चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। इसमें पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा शामिल हैं। पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा। इसमें श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, चित्रकूट शामिल हैं। छठे चरण में 3 मार्च को बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, बलिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया में मतदान किया जाएगा। वहीं 7वें चरण मार्च को मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और संत रविदास नगर में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 10 मार्च को सभी 403 विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए जनसभा, साइकिल रैली और पैदल मार्च तक 15 जनवरी तक रोक लगा रखी है। उम्मीदवारों को भी ऑनलाइन पर्चा भरने की सुविधा दी जाएगी। बुजुर्ग व संक्रमित व्यक्तियों को घर से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी।